say bye bye. Bye bye, Goa. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है माई लास्ट डे इन गोवा और अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं थोड़ी देर में, बस तैयार होके निकल गए हैं. इन दिस रिजॉर्ट इट्स 11 AM चेकआउट टाइम, तो इसीलिए अभी हम लोगों को जल्दी से निकलना होगा. तो यहाँ से फिर हम चेकआउट करके देन विल हेड टूवर्ड्स दी बागा बीच. वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, देन वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर. तो सबसे पहले ये सोचा कि एक बार यहाँ से निकले हैं तो लेट्स टेक अ स्ट्रोल. और जैसे मैं उस दिन कल सोच रही थी कि आई जस्ट हैव अ लुक अराउंड दिस रिजॉर्ट, सो लेट्स जस्ट प्रोसीड. और मेरे हबी ही हैज़ ऑलरेडी पैक द बैगेजेस, सो ही इज़ जस्ट मूविंग. तब तक मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ. दिस रिजॉर्ट इज़ ट्रूली ब्यूटिफुल. और कल बिल्कुल ऐसे ही एक वॉकवे से हम लोग आए थे चेक इन करने के टाइम. इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी, मतलब यहाँ पे ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर के यहाँ पे गार्डन्स है और उतने ही यहाँ पे लोगों ने वेजिटेबल गार्डनिंग करके रखा हुआ है, स्पाइस गार्डन्स है. ये एक रिजॉर्ट का छोटा सा पॉन्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ लेक. यहाँ पे फिशेज बहुत है. कल हम लोगों ने देखा मतलब लाइक छोटे से लेके बड़े. ओके, इट्स क्वाइट विजिबल आल्सो. बहुत ही सुंदर फिशेज हैं यहाँ पे. ओह, तो इस झील के पास से चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. एक तरफ कॉटेजेस है और दूसरी तरफ इन्होंने ये प्लांट्स प्लांटिंग करके रखा हुआ है, फ्लावर गार्डन्स, वेजिटेबल गार्डन्स. यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हुए हैं, मैंगो ट्रीज एंड देन कोकोनट ट्रीज, एवरीथिंग वी कैन सी ओवर हियर. बहुत सारे, ये आई थिंक इट्स अ फ्रूट गार्डन. ओके, गुआवा ट्रीज हैं, आई कैन सी. ऑसम. सो दिस इज द प्लेस वी आर मूविंग आउट फ्रॉम दिस रिजॉर्ट. It was truly amazing. It was a nice experience, of course. I will miss it. I will really miss this place. It is so beautiful. It is very awesome. It's really awesome. Designed very beautifully. Yeah. बहुत ही बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है एक्चुअली. एवरी मोमेंट यू स्टेप इन सम प्लेस और मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुंदर, मतलब यहाँ पे ट्रीज कोई अलग अलग कलर्स के, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो आई एम जस्ट आई वॉज टेंडिंग टू गो टू द बीच, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ही टाइम मुझे बिताना अच्छा लग रहा है.
रिजॉर्ट से हम लोग निकल के वॉक करते करते यहाँ पे टीटोज लेन में बैठे हैं और यहाँ पर द नेम ऑफ दिस होटल इज़ भारत, भारत रेस्टोरेंट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, हालांकि इट्स टू लेट फॉर ब्रेकफास्ट टाइम, बट ठीक है, बीच तक जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और रिजॉर्ट से मैं बता देती हूँ आप लोगों को, रिजॉर्ट से बागा बीच तक इट्स लाइक 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, 10 टू 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, सो दैट्स प्रिटी गुड, ओके है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके फिर बीच में थोड़ा सा घूम के यहीं से निकल जाएंगे। होटल के लाउंज में लगेज रखवा दिए हैं, वहाँ से हम पिक करके फिर विल जस्ट हेड टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, क्योंकि जैसे फर्स्ट दिन में हमने देखा था कि एयरपोर्ट से इस तरफ आते हुए वहाँ एयरपोर्ट से पणजिम के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके वजह से काफ़ी लेट हो सकता है। एंड वी हैव टू रीच देयर बाय मे बी 1:30 या 2 o'clock के अंदर हमें पहुँचना है, तो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके सारी चीज़ों का हम निपटा लेते हैं। दिस इज़ रियली टेस्टी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसमें मिक्स वेजिटेबल है और स्पिनच है, देन आई थिंक दे हैव पुट लेटिस ऑल्सो और मेयो के साथ, साथ में ऑमलेट है एंड विद दिस फ्रेंच फ्राइज, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। सो गाइज, इफ यू आर एवर विजिटिंग दिस टीटोज लेन इन गोवा, सो इट्स अ मस्ट ट्राई, आई एम टेलिंग यू, अगर ब्रेकफास्ट के टाइम में ये अवेलेबल होता है सो डू ट्राई दिस वन। ये जो मशरूम स्पेनिश ऑमलेट सैंडविच है, दिस इज़ रियली वेरी वेरी टेस्टी। सो गाइज, दिस इज़ द टीटोज लेन ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात के टाइम पे बिल्कुल नहीं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट इसका माहौल रहता है। कल यहाँ पे इतना क्राउड था, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से यही है, यहाँ पे शोर शराबा, क्राउड, नाइट लाइफ, और अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल खाली पड़ा है। ऑफकोर्स ये शुरू ही होता है शाम के, मतलब रात के 9 बजे करीब, अभी ये बिल्कुल खाली है टोटली। मुझे अच्छे से याद है जब हम ऑफ सीज़न में आए थे कुछ साल पहले, उस टाइम पे तो ये बिल्कुल ही सुनसान था, उस टाइम पे कोई नहीं था। अभी तो फिर भी लोग दिख रहे हैं हमें, बट ऑफ सीज़न में ये टोटली एकदम खाली पड़ा रहता है ये स्ट्रीट। अब हम एंटर हो रहे हैं बागा बीच। कैन यू इमेजिन रात को ये जगह का क्या मतलब रहता है। चलिए हम उस शैक्स के सामने जाएंगे ना, तो एक्चुअल में पता चलेगा कि अभी क्या सीन है और रात को क्या हालत होता है। रात के 12-1 बजे आप अगर यहाँ पे होंगे और इतनी शोर रहती है, इतना ज़्यादा, ये सारे चेयर्स बाहर आ जाता है, या ये सारे चेयर्स बाहर ये लोग रख देते हैं, और उस टाइम पे आप एक दूसरे के पास बैठ के भी किसी की बात नहीं सुन सकते। रेट भी गर्म हो रहा है, ज़्यादा देर हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। एनीवेज हमें ज़्यादा देर रहना भी नहीं है, बहुत जल्दी हमें निकलना है यहाँ से। वाटर स्पोर्ट्स दिख रहा है, पीपल आर गेटिंग रेडी, दे आर वेयरिंग जो सेफ्टी जैकेट्स है वो सब पहन रहे हैं फॉर वाटर स्पोर्ट्स। दूर तक हमें दिख रहे हैं जो पैराग्लाइडिंग हो रही है, ओके जेट्स की भी है, एंड बनाना बोट वहाँ पे है जो, और हमें दूर तक दिख रहा है जो मोटर बोट्स है। हमने पहले जेट्स की हुई है, सो दिस टाइम वी वर नॉट दैट एक्साइटेड, और अभी ये जो दिख रहा है यहाँ तक पानी, यहाँ तक भी नहीं, आई थिंक वहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स काउंटर लिखा हुआ है उसके पास तक भी पानी पहुँच जाता है। अभी तो फिलहाल एक ऐसा बाउंड्री सा बनाया हुआ है लोगों ने बैठने के लिए, इट्स अ नाइस अरेंजमेंट, नेचुरल। ये हम बहुत दिन से सोच रहे थे, जब से आए हुए हैं तब से सोच रहे थे कि ये मुझे व्यू चाहिए सुबह वाला, मुझे देखना था कि सुबह को बागा कैसा, मतलब अभी कैसा लग रहा है पीक सीजन में। Thank you.
So now guys, it's time to say bye bye to Baga because we are leaving from here. हमने सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे बिताया है पिछले 2-3 दिन में. हम कहीं भी गए लेकिन आके यहीं पे बैठे, यहीं पे हमने नाइट लाइफ इन्जॉय किया. और अभी फ़िलहाल हम दोनों ने मिलके समंदर में इतना इन्जॉय किया जो सीरियसली मैंने एक्चुअली ये भी प्लान नहीं किया था, ये भी अनप्लान था लाइक एवरी अदर थिंग. तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड आएंगे बहुत जल्दी. आई रियली लव दिस दिसंबर का टाइम जब गोवा में एंड इट्स वेरी वेरी हैपनिंग इन दिस सीज़न. तो अब निकल रहे हैं, से बाय बाय, बाय बाय गोवा. फाइनली वी आर लीविंग गोवा एंड बोर्डिंग ख़त्म हो चुका है. सो वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द फ्लाइट नाउ एंड यहाँ पे दोपहर का टाइम है, इट्स आई थिंक 2:45. और कितनी गर्मी है, सी वॉट वी आर वेयरिंग. एंड आई एम प्रिटी श्योर वहाँ जाके, दिल्ली में जाके बहुत एक सडन वेदर चेंज होने वाला है हम लोगों के लिए. बट ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम स्वेटर तो नहीं, लेकिन वी आर कैरिंग जैकेट्स. सो एनी वेज it was really fabulous and it was an awesome trip in Goa. So let's have a view. Chalte hain. तो हम पहुंच गए हैं घर और ऐसा लग रहा है जैसे माइक्रोवेव से निकाल के किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो. मतलब इतनी ठंड है, माय गॉड. हम सोच नहीं पा रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा भी होगा. और अभी 7:30 है, सो काफ़ी टाइमली हम लोग पहुंच गए हैं. थोड़ा अर्ली था फ्लाइट, हम 5:35 को हम लैंड हुए हैं और वहाँ से कैब लेके फिर yes. हम वापस घर पे आए हैं. इनफैक्ट फ्लाइट बिफोर टाइम लैंड कर गया था. लेकिन काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है वहाँ पर. काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे हम शाम को चले थे तो काफ़ी ज़्यादा हीट था, अभी काफ़ी चिलिंग है. या एनीवेज हम लोगों का गोवा का ट्रिप भी अब ख़त्म हो गया है. तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ तो उनको लाइक और शेयर करना भी मत भूलना. आई होप आप लोगों को हमारा गोवा का ट्रिप और गोवा के सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे लगे होंगे. और कैसा लगा आपको, अगर कुछ आपका ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट्स भी हमें बताइएगा. और हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों बाद फिर से हम कहीं पे घूमने जाएं एक बार. एक थोड़ा सा अपने रेगुलर लाइफ का ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर से कहीं पर जाएँगे. आप लोगों को साथ लेते हुए ऐसे ही चलेंगे. अब नाउ वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ. हाँ, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया अभी भी है और शायद रहेगा. हमारे
जो गोवा के व्लॉग्स हैं हम भी उसको देख के काफ़ी चेरिश करेंगे आगे के मेमोरीज। और डेफिनेटली आप भी सजेस्ट कीजिए हम नेक्स्ट व्लॉग कहाँ शूट करें, कहाँ पर यस जाएं, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए इस चीज़ को देखने के लिए। एग्जैक्टली आप हमें बताना आप हमारे साथ कहाँ पे नेक्स्ट टाइम घूमने जाना चाहेंगे. ओके सो टेक केयर. बाय बाय फ्रेंड्स. सी यू थैंक्स, सून. थैंक यू।